भाई लोग होटल में जो नए नए ज्वाइनिंग होते हैं, अगर उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो वो मेरी वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल है। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अर्जुन पहाड़ी। तो सो गाइस, मैं आज आपके बीच में एक नया ब्लॉग लेके आया हूँ जिसमें हम सीखेंगे कि रेस्टोरेंट में टेबल सेटअप कैसे करते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ब्रेकफास्ट का सेटअप होता है, कैसे लंच का सेटअप होता है और कैसे डिनर का सेटअप। जो हमारी वीडियो है स्पेशली उन लोगों के लिए है जो होटल में एकदम नए नए ज्वाइनिंग करते हैं, ट्रेनिंग पर जाते हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी मदद होगी। उनको अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनको कुछ नॉलेज मिलेगा कि रेस्टोरेंट में टेबल सेटअप कैसा होता है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट का टेबल सेटअप कैसे होता है, आइए देखते हैं। हमारे रेस्टोरेंट का टेबल है तो अब मैं इसमें आपको मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट का सेटअप बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें एक टेबल मैट लगाएंगे, ओके। देन हम इसके बाद हम इसमें एक क्वार्टर प्लेट रखेंगे सेंटर में। अब हम इसके राइट हैंड साइड में एक टेबल स्पून रखेंगे और उसके बगल में हम एक नाइफ रखेंगे। याद रहे दोस्तों, ये हमारे राइट हैंड साइड में रहना चाहिए। और लेफ्ट हैंड साइड में हम एक फोक लगाएंगे और एकदम सेंटर में हम इसके एक टीस्पून रखेंगे। मॉर्निंग टाइम में चाय के लिए लगता है ये टीस्पून। और हम राइट हैंड साइड में एक पानी का ग्लास लगाएंगे। तो ये दोस्तों देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है, आसान है, ये हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट का सेटअप। दिखाऊंगा लंच और डिनर का सेटअप कैसे रहता है। लंच और डिनर का सेम ही सेटअप रहता है, दोनों एक ही जैसा सेटअप रहता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम टेबल मैट लगाएंगे। देन उसके बाद हम राइट हैंड साइड में एपी स्पून लगाएंगे और एपी स्पून के बगल में हम स्वीट स्पून लगाएंगे, क्योंकि लंच और डिनर में लोग खाने के बाद स्वीट्स भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और देन हम लेफ्ट हैंड साइड में फोक लगाएंगे और अब हम इसके एकदम सेंटर में अपना सूप स्पून रखेंगे, क्योंकि लोग खाने से पहले सूप ज़्यादा मांगते हैं। सो गाइस, तो हम अब सबसे पहले इसके सेंटर में हम लोग एक डिनर प्लेट रखेंगे जो डिनर और लंच दोनों के लिए यूज़ होती है। देन उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड में क्वार्टर प्लेट रखेंगे और अब हम इसके राइट हैंड साइड में एक पानी का ग्लास रखेंगे। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये डिनर और लंच का सेम ही रहता है अपना सेटअप। जो भी मेरे भाई लोग होटल में जो नए नए ज्वाइनिंग होते हैं, अगर उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो वो मेरी वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल है। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो रहेगी वो आप तक पहुँचे।